ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हमने क्या करने हैं कि काइंड्स कितनी हैं सेंटेंसेस की, यानी किस्में। डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे से एंड हाउ दे से इट, सेंटेंसेस कैन बी ऑफ फोर मेन काइंड्स। कितने काइंड्स के होते हैं? चार तरह के। अ सेंटेंस विच सिंपली सेज और स्टेट समथिंग इज नोन एज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। जो सिंपली कोई बात उसके अंदर हो रही हो या स्टेट हो रही हो, स्टेट का मतलब होता है कहना, से और स्टेट समथिंग इज नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं। जॉन हैज़ अ बाइसिकल, यानी हम बता रहे हैं कि जॉन के पास बाइसिकल है। इसी तरह दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पोइम, हम उस पोइम के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। ही इज़ स्लीपिंग नाउ, हम बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट ही इज स्लीपिंग नाउ। ही प्लेस द वायलिन, वायलिन क्या होता है? जो एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये कौन से सेंटेंसेस हैं? डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, असर्टिव भी कह सकते हैं। दूसरा टाइप का सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन होता है उसको क्या कहते हैं? इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सिंपल बात है, स्टेटमेंट है, और इसमें क्वेश्चन है, इसको कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वैसे भी जब कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा हो तो आप कहते हो क्यों तफ्तीश कर रहे हो, तो ये तफ्तीश भी होती है ना, क्वेश्चन करना, इंटरोगेट करना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कोई पुलिस का केस हो, उसमें भी इंटरोगेशन हो रही होती है, तफ्तीश हो रही होती है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो जहाँ पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस आएगा उसको क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव। डस जॉन हैव अ बाइसिकल, अब क्वेश्चन आएगा तो ये होगा इंटरोगेटिव। इज़ दिस अ डिफ़िकल्ट पोएम, इसी को क्वेश्चन कर देंगे। इज़ ही स्लीपिंग नाउ, और डज ही और शी प्ले द पियानो, ये है इंटरोगेटिव। अ सेंटेंस विच गिव्स एन ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर दिया जाए, मेक्स अ रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्ट की जाए, एन एंट्रीटी, या फिर एंट्रीटी की जाए, यानी एक किस्म की हुक्म दिया जाए, और अ सजेशन इज नोन एज, या फिर एक आप ओपिनियन देते हो अपना, सजेस्ट करते हो कि ये होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? नोन एज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसको क्या कहेंगे? जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, सजेशन हो, एंट्रीटी हो, इसको इम्पेरेटिव। अब ये सिंपल हो गए, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, और इन इसको पढ़ें, कीप क्वाइट, आप क्या कर रहे हैं? एक किस्म का उनको ऑर्डर दे रहे हैं, कीप क्वाइट, ऑर्डर। गॉड हैव मर्सी ऑन अस, अल्लाह हम पर रहम करे, आप कहते हो ना, और ये है एंट्रीटी, जिस किसी को आप दुआ दे रहे होते हो और अल्लाह की तरफ से फिर मतलब मदद मांग रहे होते हो कि गॉड हैव मर्सी ऑन अस, कि अल्लाह आपके ऊपर, मर्सी का क्या मतलब होता है? रहम करे हमारे ऊपर। प्लीज़ गिव मी अ पेन, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेट मी हेल्प यू, यहाँ पे आप कह रहे हैं ठहरे मैं आपकी मदद करती हूँ, आप एक सजेशन दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कीप क्वाइट, गॉड हैव मर्सी ऑन अस, और प्लीज़ गिव मी अ पेन। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जज ना कर सकें, दिस इज़ वेरी ईजी टू जज। इसमें क्वेश्चन हैं, इसमें सिंपल स्पीच है, डिक्लेरेटिव है, और इसमें एक किस्म के ऑर्डर या सजेशन या रिक्वेस्ट है। अ सेंटेंस, अब चौथी किस्म का टाइप का क्या है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, या फिर एक आपका जज्बा या एक पैशन नज़र आए, इज नोन एज एन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेशन जिसमें आप हैरानगी की बात करते हैं, ज़्यादा खुश हों या ज़्यादा परेशान हो जाएं, तो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटिव कहते हैं। हाउ स्वीट दिस मैंगो इज़, जब आप कहते हो ना हाँ कितना मीठा मैंगो है, और आप एक किस्म की अपनी फीलिंग बता रहे हैं, हाउ स्वीट दिस मैंगो इज़, कितना स्वीट है, या फिर कहते हैं इसमें चार पाँच और मैं बता देती हूँ, हाउ स्वीट, हाउ लवली, जब किसी बच्चे को देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, जब किसी सीनरी को देखते हैं कितनी प्यारी है, ये सारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। हाउ बिग, हाउ स्मॉल, हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, कितना लंबा है, ये है, वो है, इस तरह बताते हैं। हाउ लॉन्ग दिस मैंगो, हाउ स्वीट दिस मैंगो इज़, हाउ टॉल दिस मैन इज़, हाउ शॉर्ट दिस गर्ल इज़,
हाउ लवली दिस चाइल्ड इज़, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। अब आप सम्स कर रहे हैं, पोइम कर रहे हैं, आप कहते हैं हाउ डिफिकल्ट दिस पोइम इज़, या फिर कहते हो जब कुछ खूबसूरत चीज़ देखते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज़, व्हाट एन एक्साइटिंग स्टोरी दिस इज़, कितनी मज़े की स्टोरी है। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हाउ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर देयर। अब आई नोट दैट इन एन इंटरोगेटिव, अब यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है ताकि आप इसको कन्फ्यूज ना करें, ओके okay? और अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन भी कर